यादव आप देख रहे हैं स्टेट टीम का। दोस्तों नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे होंगे ये काफ़ी भीड़ मतलब बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। एक रोड शो कर रहे हैं जो नई दिल्ली से वो जाएंगे कनॉट प्लेस तक जाएंगे, वो अपना वहाँ पर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ढोल नगाड़े से लोग नाच रहे हैं, लोग इतने खुशियाँ मना रहे हैं, तरह तरह के गाने गाते हुए लोग। सर काफ़ी खुश लग रहे हैं आप, काफी खुश लग रहे हैं। देखो आप जनता 70 की 70 सीटें आ रही दिल्ली में दोबारा, दिल्ली में दोबारा से 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस और बीजेपी अगर हमारा ये देखेगी जलवा तो आप देखो पूरी दिल्ली सड़क पे खड़ी है। सर सर पूरा आप ये मतलब लेके चल रहे हैं आप जी, ये केजरीवाल जी है जी, केजरीवाल जी है दिल्ली के मुख्यमंत्री है जी। अच्छा, तो मतलब की काफी पसंद है ये आपको? मैं इसका कार्यकर्ता भी। कब से आपको केजरीवाल जी पसंद? 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, 2014 से हूँ मैं कार्यकर्ता। पहली बार जब से आए तभी से? हाँ जी। इसके बाद बदलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, बदलने कोई मूड नहीं कर रही? नहीं, तो काम पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद आ रहा जी। अच्छा, सारे मुद्दे गरीबों के हल हो रहे हैं जो है। कहाँ से आए सर आप? मैं सरिता विहार से आया हूँ, जसोला गाँव सरिता विहार जी। बताइए सर। नमस्कार, मैं देवेंद्र यादव हूँ मटियाला विधानसभा से। हम हमारे क्षेत्रीय विधायक गुलाब सिंह के काम से इतने प्रभावित हैं कि आज सीएम साहब का नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं। 5 साल में केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया, हर वादे पूरे किए, चाहे बिजली पानी रोड मोहल्ला क्लिनिक अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल एक्सीडेंटल पॉलिसी फरिश्ते योजना, कितनी ही योजनाएं तो ऐसी है जो मुझे याद भी नहीं है। सर एक सवाल बार बार मन में उठता है कि ये जो अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है ये भी नई पार्टी है, 2014-13 में बनी थी, 14 में चुनाव लड़ी थी जी। तो इसके पहले आप किस पार्टी को समर्थन करते थे? कांग्रेस। मतलब कांग्रेस से आप बीजेपी में कन्वर्ट, इसमें आम आदमी पार्टी में आ गए? जी 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 जी। तो अभी इनका काम आपको पसंद आ रहा है? जी बहुत पसंद है, तभी तो ये जनता आप देख नहीं रहे पीछे रोड शो। आज जो आक्रोश देख रहे हो ना, जो उत्साह देख रहे हो पब्लिक का, ये सारा काम के नाम पे है। जो लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी विशेष को, किसी सिंबल को नहीं, सिर्फ काम को वोट दिया जा रहा है। मैं अपने सभी दर्शकों से एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि लोकतंत्र में किसी भी एक पार्टी विशेष को वोट ना देते हुए जो काम करता है उसको आगे लाए, उनको बढ़ावा दे, ना कि उनकी कमियों को उजागर करते हुए। या हमें किसी भी ऐसे माहौल में नहीं होना है कि भाई बीजेपी बहुत बड़ा चेहरा है, ठीक है हम मोदी जी को एक बहुत बड़े चेहरे के, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, हम सीएम के लिए काम के नाम पे वोट देंगे। मैम कहाँ से आई हैं? मैं मटियाला विधानसभा से आई हूँ। अच्छा, क्या लगता है अभी यहाँ पर बीजेपी में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो केजरीवाल का टक्कर कोई दे पाएगा? मुझे तो ऐसा, आप हिंदुस्तान की तो छोड़िए, मुझे तो पूरे विश्व में कोई ऐसा चेहरा नहीं लगता जो केजरीवाल जी को टक्कर दे पाए। देखिए राजनीति जो है वो दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है केजरीवाल जी ने। रोड नाली फ्लाईओवर इन पे तो हर एक पार्टी काम करती थी, इनसे हटके जो किया है सीसीटीवी कैमरा पूरे विश्व में किसी भी सरकार ने नहीं लगाया है। 1.5 लाख लाइटें न्यूयॉर्क में एक बार इकट्ठी जो लाइटें लगी थी वो 70,000 लगी थी, लेकिन मेरी दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री जी एक साथ 1.5 लाख लाइटें लगाने जा रहे हैं, मतलब पूरी दिल्ली जगमगा उठेगी। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए। जो मैं ये चाहती हूँ कि राजनीति से अलग जो हटके कार्य किया है वो केजरीवाल जी ने किया है, लोगों की सोच को बदला है। जो लोग सोचते थे कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति में कोई कार्य नहीं हो सकते, सरकार रोती रहती थी कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कहां से सड़क बनाएं, कहां से नाली बनाएं, ऐसा क्या? मैं पूछना चाहती हूं उन 70 साल जो राज करके चले गए उन दरिंदों से कि उन 70 सालों में आप लोगों ने दिल्ली में पानी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो भी पूरी नहीं की। आज मेरे को खुशी होती है, मैं जिस गांव से हूँ उस गांव में पानी टैंकरों से आता था, आज घर घर टूंटियों से पानी पहुंच रहा है। मेरे को इतना दुख होता है, जो 70 साल पहले चीजें हो जानी चाहिए थी, रोड नाली, ये आज अरविंद जी कर रहे हैं। और इन सबसे हटके जो उन्होंने किया है, जो सबसे बेस्ट किया है, वो है भ्रूण हत्या पर।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के उन्होंने दिया मोदी ने, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने इस पे असल तौर पर कार्य किया है। उन्होंने जगह जगह पर वो छोड़े गए हैं हर हॉस्पिटल में। अगर कोई बताता है कि भ्रूण का अगर कोई चेकअप करवा रहा है 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का इनाम है। असल में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक किया है वो मेरे मुख्यमंत्री। अच्छा, अगर एक सवाल ये है कि लोग 200 यूनिट की जो बिजली फ्री है इतने खुश हैं, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं हम 5 गुना देंगे, तो फिर तो और खुश होना चाहिए उनका। एक मिनट सुनिए, 200 यूनिट कह रहे हैं, पहले अभी पीछे चले जाइए कुछ टाइम, 3-4 महीने पीछे चले जाते हैं। मनोज तिवारी खुद ही पता क्या कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों को गंदी आदत डाल रहा है केजरीवाल, लेकिन आज जब जनता खुश है तो एक जुमला रख रहे हैं कि हम 600 यूनिट पूरी कर 600 यूनिट बिजली देंगे। एक बार मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, आपके कितने स्टेटों में सरकार है, एक बार दूसरे स्टेटों में करके तो देखिए, हरियाणा में तो करके दिखाइए, विश्वास कैसे होगा? दूसरे राज्य में करेंगे तभी तो विश्वास होगा। आपके इतने राज्यों में सरकार है, आप वहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं और जुमला छोड़ रहे हैं कि 600 यूनिट दिल्ली को देंगे, हरियाणा में करके दिखाइए। 200 यूनिट का 1100 रुपए बिल है, क्यों आ रहा है 1100 रुपए बिल? तो ये सब जुमले हैं, जुमलेबाजी की सरकार है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पहले दूसरे स्टेटों में करते और फिर दिल्ली की बात करते। चलिए कुछ लोगों से हम जीत रहे हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप मैम कहाँ से आई हैं? मटियाला विधानसभा, मटियाला से। यहाँ इधर के मटियाला वाले ये जा रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको, कितने खुश हैं? बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। 70 सीट, कैसे आप कैसे कह सकते हैं 70 सीट? 70 सीट ने विधानसभा के काम किया है। अच्छा, आप पूरे दिल्ली का माहौल देख के? हाँ, नहीं दिल्ली का माहौल नहीं, गली गली में जाके काम किया है। अच्छा, अच्छा। लोगों से पूछा है, लोगों ने अपने आप बताया है 70 सीट, बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं है। अच्छा, समझे? क्रिएट समझे ना जी। कहाँ से आए हैं? चावला से। कहाँ से? नजफगढ़ से। चावला से? नजफगढ़ से। मटियाला विधानसभा से। बताइए। मैं देवली विधानसभा से, भाई प्रकाश जायसवाल एमएलए साहब हैं। कौन है? भाई प्रकाश जायसवाल एमएलए, और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, यानी कि हमारी जड़ों को मजबूत किया गया है, या शिक्षा के क्षेत्र में लो, दवाई के क्षेत्र में लो, हॉस्पिटल हो गए, दवाई हो गई, स्कूल्स हो गए, शिक्षा हो गई, पानी हो गई, बिजली हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। और आपके महिलाओं के लिए यात्रा बस सब फ्री किया, मतलब आज से पहले नहीं ऐसा नहीं है, चाहते तो अभी भी तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम फ्री कर सकते हैं, तो वो पहले जो स्टेटों में सरकारें हैं उनको तो फ्री करके दिखाइए, और भी अदर स्टेटों में भी तो बीजेपी है, पहले जहाँ उनकी सरकार है पहले करके मॉडल पेश करें, उसके बाद दिल्ली में वो अपना दावा पेश करें। कहाँ से आए हैं आप? हम कोटला से। अच्छा, क्या लगता है अरविंद के भाई, जो माहौल दिख रहा है दिल्ली का, माहौल कैसा लग रहा है? केजरीवाल का है। केजरीवाल का ही? केजरीवाल का। आप लोग बताइए, कुछ बताना चाहेंगी? आप बताइए। बसों में लेडीजों के लिए सुविधा, रोड नाली। दादी आप बताइए। जी सर बताइए, कहाँ से आए आप? कालीबाड़ी मार्ग से आए हैं, नई दिल्ली से। अच्छा, सर पूछे क्या? हाँ, अपने विधायक के नेतृत्व में आए हैं। वहाँ के सर विधायक कौन है? विधायक अरविंद केजरीवाल है। वहाँ के विधायक कौन है? कहाँ के? जहाँ से आप आए हो? मैं अरविंद केजरीवाल के। अच्छा, इसी विधानसभा से? विधानसभा। तो इस विधानसभा के बारे में बताइए, क्या क्या चल रहा है इस विधानसभा? अच्छा चल रहा है। अगर बीजेपी कोई अच्छे कैंडिडेट घोषित कर देती है क्या लगता है? बीजेपी कोई भी कैंडिडेट हरा नहीं सकता। बीजेपी कोई भी कैंडिडेट घोषित कर दे, कितना अच्छा कैंडिडेट घोषित कर दे, लेकिन हरा नहीं सकते। बीजेपी नहीं हरा सकती, ना कांग्रेस हरा सकती। 15 साल शिवाजी राज चलाई है दिल्ली का, और 20 साल केजरीवाल चलाएंगे। 20 साल। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं चला पाएंगे? जी नहीं, 20 साल तक केजरीवाल रहेंगे हमेशा, अभी 20 साल का भविष्य है, 20 साल तक। 20 साल तक का बिल लग रहा है आपको? नहीं। जी हाँ, बिल नहीं ला सकता सर केजरीवाल को। कैसे आप सर? यस यस सर, केजरीवाल ने बहुत काम किया है। अच्छा, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया? आप युवा हैं तो युवा के बारे में बता दीजिए सर। एक सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है। और सर एक हेल्थ सेक्टर जो सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए इम्पैक्ट पड़ता है, सर इसमें इतना अच्छा काम किया है। लोग जो आज सड़क पर दिख रहे हैं ना, वही वेव है, वही लोग हैं जिनको फ़ायदा मिला है। रियल एक 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 बेसिक जमीन पे जो फ़ायदा हुआ है वो केजरीवाल सरकार के द्वारा ही हुआ है। ऐसी अब तक किसी पूरे देश में ऐसी अब तक कोई सरकार ही हमने नहीं देखी जो केजरीवाल सरकार ने काम किया है 5 साल के अंदर। करते क्या सर? सर हम पढ़ते हैं सर, पढ़ाई करते हैं। यस। कौन से स्कूल में? सर डीयू में। डीयू में? अच्छा, एक बात, आप दिल्ली से पढ़े होंगे? यस यस। जब आप पढ़ रहे थे दिल्ली के स्कूल कैसे थे?
सर बहुत बेकार थे। आज जो स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है ना, इतनी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास लेवल के क्लासेस हो गए वहाँ, और वहाँ एकदम एक एनवायरनमेंट है एजुकेशन का बहुत अच्छा है। एक कास्ट सिस्टम और एक डिस्क्रिमिनेशन भाव की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेट खत्म कर दिया गया है। सर जो आज देश में स्थिति चल रही है ना, आज मनीष सिसोदिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको पूरे देश में फॉलो किया जाए। सर मैं एक सेकंड, कौन से विधानसभा से आए हैं? मालवीय नगर विधानसभा। क्या लगता है आपे माहौल जो देख रहा है, माहौल काफी रंगारंग दिख रहा है? केजरीवाल हीरो है और रहेंगे, आने वाले समय में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा क्या लगता है दूसरे नंबर पे कौन पार्टी रह सकती है? बस हमें तो हमारा पता है, हम तो आ ही रहे, लगता है कि हम तो आ ही रहे, बाकी जाए बाहर। हो सकता है कि कोई ऐसा भी टक्कर भी दे सकता है? नहीं, ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर क्या लगता है कहाँ से है? आम आदमी पार्टी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है दिल्ली के अंदर। अच्छा नंबर वन पे है वो। अच्छा कौन से कौन विधायक है आपके? विधायक है श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। तो अभी काफी विधायकों के टिकट भी कटे हैं आम आदमी पार्टी में, तो क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया था या क्यों टिकट काट गया, आपको क्या लगता है? पार्टी ने काम किया लेकिन उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा इसलिए उनका टिकट काट दिया है। अच्छा पार्टी ने अपना काम किया है जो करना चाहिए, जो वादे थे 5 साल में पूरे किए हैं और आने वाले समय के अंदर पार्टी और ज्यादा काम करके दिखाई। तो क्या लगता है वो जो नए विधायक आएंगे, नए विधायक मतलब के खड़े किए गए हैं कैंडिडेट, वो टक्कर दे पाएंगे जो मतलब बीजेपी के कांग्रेस के वहाँ का कोई अगर दिग्गज नेता खड़ा हो गया? टक्कर देने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। मतलब एक ही चेहरे पे सभी जगह चुनाव पड़ता है? चुनाव सब जगह है लेकिन केजरीवाल जी के नाम पे चुनाव पड़ेगा। अब वोट एक है, चेहरा एक है हमारा, बीजेपी नामी काफी है, केजरीवाल नामी काफी है। समझे सर, मोदी ने जो कास्टिज्म की और ये धर्म की राजनीति से करी है ना, ये देश को बहुत नीचे ले जा रही है। सर इस चीज को कम करो नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। सर अभी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की जरूरत है और पूरे देश में, अगर अभी चीफ मिनिस्टर है हम तो पीएम के तौर पर हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं। सर पीएम के तौर पर आप ये सवाल आप बता रहे हैं पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन अभी इसके पहले अभी जल्दी में चुनाव खत्म हुआ, अभी 1 साल हुए हैं तो 7 सीट भी यहाँ पर इनकी कोई स्थिति खास नहीं थी, तो क्यों ऐसा क्यों हो गया था? अभी देश कास्ट और धर्म में फंसा हुआ है, लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों को शिक्षा की बहुत जरूरत है, लोगों को इस संघवादी जो आइडियोलॉजी है ना इससे दूर होना पड़ेगा, लोगों को अपने माइंड को फ्री करना पड़ेगा, लोग एकदम फंसे हुए हैं, लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप देखिए केजरीवाल सरकार ने कितनी केजरीवाल दिल्ली की इकॉनमी कितनी तेज मूव की है, कितनी डिमांड बढ़ी इस सरकार में। लेकिन जैसे बार बार ये सवाल उठता है कि 7 विधानसभा जो लोकसभा सीट थी वो हार गए थे, क्या उस वक्त इनकी लहर खत्म हो गई थी अरविंद केजरीवाल जी की? सर अभी सर एक चीज दोबारा से फिर लहर उठ रही है। सर अभी ईवीएम सिस्टम आपने सुना है? आप ईवीएम सिस्टम को जानते हैं? अच्छा अगर आप उसको सही से जान जाएंगे ना, जो उसमें वो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आजकल चल रही है ना, वो लोग अभी फिर ईवीएम हटा दो पता लग जाएगा कितनी सीटें आती हैं लोकसभा में। सर वो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं क्या क्या चल रहा है। अच्छा सर तो ईवीएम की बात करें, ईवीएम से इस बार भी सर हम ईवीएम से इस बार भी वोट बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा है, एक आशा थी लोगों को बीजेपी से। अच्छा कि आगे आने वाले टाइम में 5 साल तो कुछ किया नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ करेंगे, उनसे वो काम तो हुआ नहीं जो आशा थी लोगों को। उल्टा ये एनआरसी पीआरसी इनके अंदर उलझ के लोगों को जो है बरगला के बेवकूफ बनाया जा रहा है। रोजी रोटी की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, ना किसी मोहल्ला क्लिनिक की है, ना स्वास्थ्य की है, लोगों को रोजगार कैसे देना, वो चीजें तो उन्होंने वो कूड़ेदान में फेंक दिए। वैसे आप क्या करते हैं सर? मैं होटल लाइन में हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जो ये 200 यूनिट उनको तो फ्री नहीं मिल पाता होगा जो एसी यूज करते होंगे, तो आपको लगता है एसी वाले वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्या देख के वोट करेंगे? मोहल्ला क्लिनिक बनाया है उनके एरिया में, अच्छे अच्छे जिम लगाए हैं उनके लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए पार्कों के अंदर, और जो है इतने काम किए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, लोगों को फ्री दवाई मिल रही है। जो सरकारी हॉस्पिटल है जिनके अंदर कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, मशीनें नहीं थी, वो सब करके दिखाया दिल्ली गवर्नमेंट ने, और वो भी ईमानदारी से किया, पैसा नहीं खाया जो और गवर्नमेंट खाती थी पैसा, टैक्स का पैसा। सबसे कहने का मतलब है कि दिल्ली सरकार जो है जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाया है। लंबे अरसों से शिक्षा का केंद्र जो है बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, शिक्षा में दुरुस्त आए, शिक्षा दुरुस्त किए, शिक्षा जो बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, सरकारी स्कूल से लोग भागते थे, सरकारी स्कूल में लोग आ रहे हैं, ठीक है। पहले दूसरी बात चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, 3 चीज़ पब्लिक के लिए जरूरी है।
अरविंद केजरीवाल के अंदर ये क्षमता है कि शिक्षा भी अच्छी देती है और चिकित्सा भी अच्छी देती है, लेकिन सुरक्षा उनके हाथ में आ जाएगी अगर पुलिस आ जाती है। अच्छा ये क्वेश्चन की है आपकी, पहले सातों लोकसभा में। वैसे आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 62 साल है। अच्छा जी है। आप बताइए कुछ कह रहे थे आप? हाँ कह रहे थे, जैसे पूछे आपकी सातों लोकसभा सीट जो है वो अभी थोड़ा असमंजस में लोग थे कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं कुछ करके अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर कुछ करके नहीं दिखाया। अगले चुनाव में देखिए लोकसभा का जब चुनाव होगा तो सातों सीटों में न कांग्रेस पाएगी न बीजेपी पाएगी, आम आदमी पार्टी का सातों का सातों जो है संसद आम आदमी पार्टी के होंगे। सेंटर में अभी हम लोग दिल्ली को दुरुस्त कर लेंगे, तो सेंटर में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली दुरुस्त कर लेते हैं तो सेंटर दुरुस्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक राज्य से सेंटर दुरुस्त नहीं होगा। सेंटर के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अरविंद केजरीवाल को मेहनत करनी पड़ेगी। सेंटर भी दुरुस्त हो गया, कोई भी प्रधानमंत्री की सीट पर कोई नहीं आएगा, जितना दिन चल रहा उतना दिन चल रहा है। लेकिन कांग्रेस तो खाली हो गई, बीजेपी के खाली होने का नंबर आ गया है, हर स्टेट से बीजेपी खाली हो रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल। आपकी एज 62 साल है, तो आप मुझे लगता है कि आप 12 से 15 बार चुनाव मतलब कि आप वोट डाल चुके होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जो चुनाव मतलब चुन रहे थे अपने कैंडिडेट या लोकसभा का वोट दे रहे थे आप या विधायकों को वोट दे रहे थे? अच्छे लोगों का तलाश कर रहे थे उस वक्त, आप देते गए लेकिन अच्छे कोई मिला? अच्छे लोगों का तलाश कर रहे थे, दिल्ली के लोग वोट कर रहे थे लेकिन अच्छे लोगों का तलाश कर रहे थे, अच्छे लोगों का तलाश नहीं हो पाया। चलिए मतलब अच्छे लोगों की तलाश में आपकी मतलब 62 साल उम्र, अच्छे मिल गए केजरीवाल, अच्छे मिल गए सर। कुल मिलाया करें भाजपा नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया देश में, NRC NPA CAA, इससे क्या रोजगार मिलेगा आदमी को, इससे चिकित्सा मिलेगी? इसका पड़ोसी राज चले जाइए आप, उत्तर प्रदेश हरियाणा चले जाइए, एक दवाई क्या नहीं मिलती है, पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलती है, एक सिरे की मशीन 3-3 महीना खराब मिलता है, मिलने लगी सर यहाँ मिलती है दिल्ली में, आप यही हॉस्पिटल में चले जाइए बगल में, यही आप बगल के हॉस्पिटल में चले जाइए। अच्छा ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो युवा है वो काफी उत्साहित है, हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे दिल्ली गए दिल से केजरीवाल फिर से। और जो आप ये जोश देख रहे हैं ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत है, हमको यहाँ पर देखा जाए आपको जोश दिखता है लोगों में।